वेलकम फ्रेंड्स, ये जो है वो एक टाइप सी टू लाइटनिंग केबल है जो कि आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है अमेजन से मैंने ऑर्डर किया है और इसकी प्राइसिंग जो है वो यूजुअली 2000 है, लेकिन मुझे जो है वो डिस्काउंट में लगाकर 1000 में मिला है। और इसकी जो है वो काफ़ी अच्छी इसकी सर्विस है एज़ कम्पेयर टू जो एप्पल की ओरिजिनल है, उससे भी बेटर इसकी जो है वो आपको लगेगी आईफोन और आईपैड के लिए। तो इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो टाइप सी से जो है ये आप देख सकते हो कि ये ऐसे पैक करके आता है। अमेजन पे मैंने ऑर्डर किया था इसे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये देखो, आपको जो है वो बॉक्स में ऐसे रैप करके आता है। और यहाँ पे इसके जो है वो बॉक्स के पीछे की बात करें तो आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके क्या क्या जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हुई हैं। MRP तो 1999 है। एंड ये जो है वो iPhone 14 अप टू, यहाँ पे जो है वो कुछ ढक गया है, सपोर्ट फास्ट चार्जिंग ये सभी लिखा हुआ है। एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के लिए ये सभी दिया गया है, उसका हमें काम नहीं है। और इसका नाम है बेल्किन। ओके सो अब जो है वो आते हैं जो केबल है उस पर। तो इसकी लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ अराउंड जो है वो 1 मीटर के आसपास लग रही है, यहाँ पे 3.3 फीट यानी कि 1 मीटर। ओके तो अच्छा खासा जो है वो लेंथ भी आपको देखने को मिलता है और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो आप जो है वो इसको ज़रूर प्रेफर करना अगर आप एक केबल खोज रहे हो टाइप सी टू लाइटनिंग केबल, लाइटनिंग कनेक्टर। और अगर आपका जो है वो केबल कट जाता है, मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज़ जो है वो केबल कट जाता है, तो उस केस में जो है वो आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसकी जो है वो आप थिकनेस देखोगे तो मीन्स काफ़ी अच्छा जो है वो क्वालिटी इसका आपको देखने को मिल रहा है। एंड इधर साइड भी देखोगे तो ये भी ठीक है। ओके एंड ये जो ये तो टाइप सी वाला है। और अगर लाइटनिंग केबल की बात करें तो लाइटनिंग केबल वाला जो है ये वाला सेक्शन है। और अगर आप इसकी जो है वो लाइफ ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो एक जो है वो यहाँ पे स्प्रिंग टाइप का जो है आता है कनेक्ट करने के लिए, तो आप इसे जो है वो रैप कर लेना। उसका भी जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ओवरऑल जो है वो आपको अराउंड 1100 to 1200 रुपीज़ में पड़ जाएगा। एंड ये जो है वो इनफ सफिशियंट लेंथ होगा आपके आईफोन के लिए और आपके आईपैड के लिए। तो आप इसे जो है वो प्रेफर कर सकते हो। इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैंने इसे जो है वो पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो इसकी जो है वो मुझे सर्विस काफ़ी अच्छी लगी। मीन्स ये मोर देन ईयर आपको 2 साल 3 साल चल जाएगा अगर आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ करोगे तो आपको 6 मंथ्स भी आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। मीन्स बहुत हैवी यूज़ भी करोगे तब भी 6 मंथ जो चलेगा ही। एंड इसकी वारंटी की बात करें तो जो है वो इसकी वारंटी 12 मंथ्स की है। मीन्स या तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके आप क्लेम कर सकते हो, या फिर जो है वो अगर आपका इसका स्टोर है तो वहाँ से भी आप जो है वो इसके लिए मीन्स रिटर्न के लिए या फिर रिप्लेसमेंट के लिए आप कर सकते हो। तो अभी जो है वो मैं आपको पुराना वाला एप्पल का जो है वो कंडक्टर टाइप सी टू जो है वो लाइटनिंग कनेक्टर के साथ जो है वो ये जो बेल्किन का आया हुआ है, इस दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। तो देखो, ये जो पतला वाला है ये है एप्पल का ओरिजिनल, एंड ये जो मोटा वाला है ये है बेल्किन का। तो आप देख सकते हो कि थिकनेस भी जो है वो ज़्यादा है। और अभी जैसे आप देखो कि मेरा ये जो है वो पुराना वाला केबल था तो ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके तो इसको जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो, जैसे मैं अपने आईपैड में लगा के इसे आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क नहीं कर रहा है। जैसे देखो, ये अभी जो है वो ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके, इसे जो है वो नीचे रखते हैं। देखो, दोनों साथ साथ जो है वो मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे कि अभी जो है वो कहीं भी कुछ चार्जिंग का जो है वो यहाँ पे आप कॉर्नर में देखना कि कुछ भी जो है वो नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो है वो हम लोग बेल्किन वाले का यूज़ करके देखते हैं। तो ये जो है वो ओरिजिनल वाले को हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं। एंड ये जो बेल्किन का मैंने ऑर्डर किया है इसे जो है वो इंसर्ट करके देखते हैं। सो ओके सो अब देखोगे आप कि यहाँ पे जो है वो चार्जिंग हो रही है। यहाँ पे आप जो है वो देखोगे कि चार्जिंग का जो है वो आइकन भी आ रहा है। आप देख सकते हो कि काफ़ी जो है वो ये अच्छा प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू। और आप जो है वो साइड में ये वाला लगा लेना ताकि जो है वो कटने का डर नहीं रहेगा। लेकिन इसका भी जो है वो काफ़ी अच्छी बेल्किन की जो है वो ड्यूरेबिलिटी रहती है। और 12 मंथ्स जो है वो इसकी वारंटी भी है, तो आप उसे भी क्लेम कर सकते हो। एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड आपका कैसा एक्सपीरियंस होता है आप जो है वो इसको परचेज करके यूज करने के बाद जो है वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।